WWE Raw का एपिसोड इस हफ्ते शानदार रहा। ब्रॉक लेसनर इस बार नजर आए लेकिन कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए। ओमास और उनके सेगमेंट का ऐलान पहले ही कर दिया था। इस हफ्ते ओमास और MVP ने पहले एंट्री की। MVP ने लेसनर को लेकर बात रखी, हालांकि वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए। ब्रॉक लेसनर ने इसके बाद धमाकेदार एंट्री रिंग में की। सभी को लगा था कि बवाल मचेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फैंस ने ब्रॉक को बहुत चीयर किया। MVP उनसे डर रहे थे। ब्रॉक ने इसके बाद मजाकिया अंदाज में ओमास की हाइट देखी। ओमास ने भी अपना पंजा दिखाया और इसके बाद ब्रॉक ने हाथ मिलाया। ओमास ने ब्रॉक का हाथ नहीं छोड़ा। लेसनर ने इसके बाद उनके पांव पर मारा। उन्होंने ओमास को सुप्लेक्स लगाने की कोशिश की। ओमास ने उन्हें हाथ से पीछे की तरफ धकेल दिया। ओमास ने इसके बाद लेसनर को रिंग से बाहर फेंक दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए थे। लेसनर भी चौंक गए थे। वो थोड़ा डरे हुए जैसे भी लगे। रेफरी और ऑफिशियल्स भी इसके बाद बाहर आ गए थे। हालांकि फिर कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।